ओके तो चलिए अब हम नेक्स्ट सिनारियो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट सिनारियो है एक स्फेरिकल शेल का जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. ओके लिख लीजिए. फाइन. तो आपके पास मान लीजिए कि एक स्फीयर है इस तरह का. ओके उसका रेडियस अगर r है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पीरियड लेंथ का यहां पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप कौन सी लेंथ लेंगे. जो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया. और कौन सा एरिया? सरफेस एरिया. राइट तो यहां पर चार्ज पीरियड लेंथ देना कोई सेंस नहीं होगा, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया दिया जाता है. लेट अस से वो सिग्मा है. ठीक है और सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑलराइट और मुझे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है और आउटसाइड कितना है. राइट चलिए इसको हम ट्राई करते हैं. अब अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है अब इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूं दो भागों में पूरे स्फीयर को इस तरह से, तो यहां पे कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, और कुछ इस तरफ हैं चार्जेस. ठीक है अब अगर इस तरफ वाले चार्जेस हैं, मैं यहां से ऑलवेज एक लाइन बना सकता हूं जो कि सेंटर से पास हो रहा है. राइट तो इस तरह से मैंने इस डॉटेड लाइन से इस पूरे पूरे स्फीयर को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है. ओके तो अगर यहां पर एक चार्ज लेता हूं मैं और एक यहां पे लेता हूं, दोनों की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? एक इसकी वजह से यहां आएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी. तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी ऐसी हो जाएगी. ठीक है इस तरफ से हो गई. अब अगर मैं दो चार्ज यहां पे ले लूं, ये इनकी वजह से सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है अब ये जो फील्ड है इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रही है. अब आप देखिएगा कि यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं और यहां पे कम है. ठीक है लेकिन ये जितने चार्जेस हैं इनका डिस्टेंस भी तो यहां से काफी कम है. तो हालांकि ये है नंबर कम में, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालेंगे. ठीक है तो नेट नेट क्या होगा, जितनी इन सब की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, लेट से दिस इज ई लेफ्ट, वो इक्वल हो जाएगी ई राइट के. और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो हो जाएगी. ठीक है तो ये आप हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो. ओके अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. ओके तो समझ लीजिए कि ये आपके पास वापस से वही स्फेरिकल शेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. फाइन और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल r जो कि रेडियस से बड़ा है. ठीक है यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट अब आप देखिए जितने भी आप दो पॉइंट ले लें करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट ले लें फिर ये ले लें, कोई भी दो पॉइंट ऐसे करस्पॉन्डिंग वाले ले लीजिए, इन सब का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा. ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द एक्सिस ही होने वाली है, मतलब कि आप सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द सेंटर होगी. ठीक है तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात. और स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाली जाती है एज इफ पूरा का पूरा जो स्फेरिकल चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज कैसे हो जाता है. कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एट पॉइंट पी विल बी सच एज इफ एंटायर चार्ज ऑफ स्फीयर इज लोकेटेड एट द सेंटर. और टोटल चार्ज कितना है स्फीयर का? सिग्मा इंटू 4πr². राइट तो अगर मैं इस डेफिनेशन से जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई मेरी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के टाइम्स q/r². राइट और q कितना है? q हो गया मेरा सिग्मा इंटू 4πr². राइट इज डिवाइड बाय r²
अब मैं k को एक्सपेंड कर देता हूं क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे पाई दिख रहा है, तो पाई कैंसिल होने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये हो गया ठीक है। अब यहां पर आप पाएंगे कि 4 पाई आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर होल स्क्वायर ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आउटसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जस्ट ऑन द सरफेस आउटसाइड विल बी व्हाट, यू पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यू गेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओके। तो अगर आपको क्यू पता है तो डायरेक्टली ये यूज कर लीजिए, सिग्मा मालूम है तो इस तरह से आप कर सकते हैं ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ग्राफ बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो आप ट्राई करिए किस तरह का होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से आप प्लॉट करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर है ठीक है, और ये जो लाइन है ये लाइन यहां पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इंटरसेक्ट करती है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब तक r स्मॉल r कैपिटल r के बराबर नहीं हो जाता है तब तक कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होगी, क्योंकि वो पॉइंट तो इनसाइड है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। और फिर जैसे ही r इक्वल टू कैपिटल r होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी ठीक है, तो सडनली ऐसे जंप करेगी यहां पे ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर से ये डीके होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा ये ऑलराइट। तो ये एक प्लॉट हो गया एक स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का ओके। अब हम करते हैं सॉलिड चार्ज स्फीयर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली फाइन। तो जैसे कि आपके पास समझ लीजिए कि ये एक स्फीयर है ओके, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो समझ लीजिए रो है फाइन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी और आउटसाइड कितनी होगी। एक और चीज गिवन है वो है रेडियस ओके, समझ लीजिए इसका रेडियस जो है वो भी गिवन है कैपिटल आर। तो अगर आपको इनसाइड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप खुद से ट्राई करिए। इसको आप पूरे सॉलिड स्फीयर को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे ढेर सारे हॉलो स्फेरिकल शेल ऐसे स्टैक्ड हैं एक दूसरे के ऊपर। कहने का मतलब है कि ऐसे 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 ढेर सारे शेल्स हैं राइट, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे ओके। चलिए अब इसको करते हैं। आप यहां पे एज्यूम कर लीजिए कि एक इमेजिनरी आपके पास एक ये है स्फीयर है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। अब अगर आपने ये एज्यूम किया हुआ है कि पूरा जो सॉलिड स्फीयर है वो जो है हॉलो स्फेरिकल शेल से बना हुआ है, तो जितने भी शेल इस डिस्टेंस में होंगे वो क्या होंगे, इस पॉइंट से बाहर होंगे ठीक है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आनी ही नहीं है राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आएगी ये जो चार्ज है इसकी वजह से, और वो जो पॉइंट है इस चार्ज के बाहर है। तो जितने भी शेल होंगे स्फेरिकल शेल डॉटेड लाइन तक वो बिहेव करेंगे एज इफ सेंटर पे लोकेटेड है, और जितना भी शेल इस डिस्टेंस के अंदर है वो उनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी नहीं है, तो उनको कंसीडर करने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता है ठीक है ना। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट पी, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल क्यू क्या है, दिस स्मॉल क्यू इज चार्ज इनसाइड
डॉटेड स्फीयर, फाइन। अब चार्ज तो गिवन नहीं है, क्या गिवन है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, राइट। तो चार्ज कैसे निकालूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से? चार्ज विल बी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आयो समझ में? तो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगर, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? के रो 4πr² डिवाइड बाई 3, ये आती है, राइट। अब मैं k को एक्सपेंड कर देता हूं क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में 4π दिख रहा है और π कैंसिल हो रहा है, तो कर देंगे फटाफट, ठीक है। तो k को 1/4πε0 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और 4π गेट कैंसल्ड, और एक r स्क्वायर भी यहां से चला जाएगा, ये दिस इज 4πr³, एक r स्क्वायर चला गया तो यहां सिर्फ r बचेगा, राइट। तो नेट नेट जो मेरे पास आ रहा है इक्वेशन, वो आ रहा है 4 रो r डिवाइडेड बाई 3 epsilon नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरी एट पॉइंट पी, और ये रेडियली आउटवर्ड होगी, तो ये r यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगी भाई, फाइन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक और चीज आप नोटिस करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप सेंटर से जा रहे हैं बाहर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, तो आप ये याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर मुझे बाहर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां निकालनी है, मान लीजिए अब मैं जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे कंसिडर कर लूं डॉटेड लाइन, तो सारा का सारा चार्ज तो इसके अंदर ही आ गया है कि नहीं। तो पूरा जितना भी चार्ज है वो बिहेव करेगा एज इफ पॉइंट चार्ज है लोकेटेड एट द सेंटर, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आउटसाइड, इसको मैं लिख देता हूं इनसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी व्हाट? के टोटल चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। अब टोटल चार्ज कितना इन टर्म्स ऑफ रो? टोटल चार्ज आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब दिस टाइम, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई वाज में तो इसको मैं लिख सकता हूं 4π चला गया यहां से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1/r², ठीक है। तो इधर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये ब्रैकेट के बाहर ये कांस्टेंट है, और जो वेरी कर रहा है वो 1/r² से वेरी कर रहा है। तो आउटसाइड द स्फीयर 1/r² से डिक्रीज हो रहा है, और इनसाइड द स्फीयर r से इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर पे, ऑलराइट। तो ये भी रेडियली ही होगी वैसे, तो मैं यहां पे r यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस और डिस्टेंस का अगर आपको प्लॉट करना है, समझ लीजिए डॉटेड लाइन r इक्वल टू कैपिटल r है, तो आप कैसे इसको प्लॉट करेंगे? शेल के केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी जब तक r इक्वल टू कैपिटल r नहीं हो रहा था। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज हो रही है, राइट। और जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r हो जा रहा है, तो क्या ये उसके बराबर है? बिल्कुल है, ये रो कैपिटल r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है, और ये भी रो कैपिटल r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन जब तक वो अंदर है तब तक लीनियर है ग्राफ, फिर उसके बाद 1/r² है, ठीक है। तो जब तक वो अंदर है तब तक ऐसे लीनियरली इंक्रीज होगा, ओके, और जैसे ही बाहर आएगा 1/r² से ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, फाइन। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को आप देख सकते हैं, ओके। बेसिकली ये स्फेरिकल वाला जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आम बात हो जाती है स्फीयर्स यूज करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप देख रहे हैं ये मेटल के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक सॉलिड मेटल लेंगे उसमें चार्ज डाल देंगे तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है।
ये सिर्फ एक इंसुलेटर के केस में हो सकता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अंदर भी, ओके। चलिए तो अब तक हमने काफी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की बात की है, चलिए अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगा के इस अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है। ऑलराइट, अगर ऐसा केस है तो समझ लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेड टाइम्स ई होगा। राइट, एज्यूम कर लिए कि न्यूक्लियस एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल आर रेडियस में ऐसे ही वॉल्यूम में पूरा स्प्रेड आउट है। इस तरह से है, ओके, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। फाइन, तो आप इसको कैसे करेंगे? अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज करी है जिसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली एक ही तरीके का रहता है। यहां पर क्या है, सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज है। फाइन, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो दी नहीं हुई है हमें, राइट, लेकिन एक चीज हमें पता है कि एटम्स आर न्यूट्रल। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है अगर एटम इस तरह से तो वो न्यूट्रल रहेगा। राइट, तो जितना भी चार्ज जेड ई न्यूक्लियस का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का भी रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा जेड ई, जो कि कितने वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है, 4/3 पाई आर क्यूब में स्प्रेड आउट है। राइट, तो रो कितनी हो गई, रो हो गया जेड ई डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, मतलब कि 3 टाइम्स जेड ई डिवाइडेड बाई 4πr³। ये हो गई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, और ये चीज आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। फाइन, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे न्यूक्लियस के द्वारा कितनी होगी, आउटवर्ड होगी सबसे पहले तो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा का पूरा एक पॉइंट चार्ज है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस विल बी व्हाट, के टाइम्स चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, राइट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो होगी इनवर्ड। ये जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन की वो कितना चार्ज इस डॉटेड लाइन के अंदर है सिर्फ उसकी वजह से होगी। राइट, और इस डॉटेड लाइन के अंदर जो चार्ज है समझ लीजिए स्मॉल क्यू है, कितना होगा, रो विच इज 3ZE डिवाइडेड बाई 4πr³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही होगा ना। तो 4π और 4π तो कट गया यहां से, 3 और 3 भी कट गया, तो कितना चार्ज होगा, Z टाइम्स E इंटू r/r³ होगा। राइट, इतना चार्ज होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द न्यूक्लियस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ये होगा, राइट, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो के जेड ई अगर मैं कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1/r² माइनस r/10। तो ये हो गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। फाइन, तो मैं k को 1/4π₀₀ भी लिख दूंगा, तो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। राइट, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो फंडामेंटल्स यूज करके। ऑलराइट, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इस तरह के ढेरों सवाल बन सकते हैं। ऑलराइट, अब एक और सवाल मैं करने जा रहा हूं जो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जेई एडवांस में कुछ सालों पहले पूछा गया था, लेकिन बड़े आसानी से अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कर सकते हैं। फाइन, तो समझ लीजिए आपके पास वॉल्यूम में चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वॉल्यूम में जिसका रेडियस कैपिटल आर है,
ठीक है, आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इतना जो है चार्ज आपने रिमूव कर दिया, तो ये हॉलो है एक तरह से। जो चार्ज डेंसिटी रो है वो सब में है एक्सेप्ट इस पार्ट में, इस स्फेरिकल पार्ट में नहीं है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है, ठीक है, जो आपको गिवन है वो इसका लोकेशन गिवन है और इस सेंटर का लोकेशन गिवन है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे? पहली बात तो ये कि ये जो स्फीयर है इसको मैं बोल सकता हूं ये एक बड़े सॉलिड स्फीयर से बना हुआ है प्लस एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर से बना हुआ है जो मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया। अगर मैं उसको यहां रख दूं तो ये चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी भी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड वाइज रो होगी लेकिन है वो माइनस रो, एज इन वो नेगेटिवली चार्ज है दिस वन, ठीक है। तो एक तरह से मैं सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर की वजह से यहां पर जितनी होगी प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पे इस पॉइंट पे वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वेक्टर है कुछ इस तरह से आएगा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वजह से है यहां इस पॉइंट पे, ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसकी इलेक्ट्रिक ऊपर इंपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो जो बाकी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहां पर समझ लीजिए मैंने नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी रो रख दी है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वही रो, समझ लीजिए ये आर टू है तो रो आर टू डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही समझ में? देखिए आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव की होगी हॉलो सॉरी सॉलिड स्फीयर की, तो हमने क्या किया था, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर लिख दिया था, यूनिट वेक्टर। तो जो आर यूनिट वेक्टर है मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है, मतलब कि जो वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग ये डायरेक्शन है रेडियल, तो वो इसी के अंदर मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी है। ओके, अब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख देता हूं इस तरह से, ई नेट विल बी रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस सॉरी प्लस रो आर टू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर मैंने आर टू वेक्टर ऐसा लिया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लिया है। आप सोच रहे होंगे कि रो तो नेगेटिव है तो माइनस रो क्यों नहीं, अगर आप आर टू ऐसा लेंगे इस डायरेक्शन में तब आप उसको माइनस रो लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने पहले ही मुझे पता है, करेक्ट डायरेक्शन मैंने ले ही लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बस नेगेटिव साइन क्यों लगाना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, राइट, और आर वन प्लस आर टू वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, वेक्टर क्या है, सेंटर टू सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर वन टू। इससे ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चीज के अंदर कहीं भी आप चले जाइए कॉन्स्टेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आता है, ये जे एडवांस में एक बार पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझिए तो ये बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है जिसकी थोड़ी सी एक ट्रिक है करने की। ओके ओके दोस्तों, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है वेरियस सिनेरियोस की, अब हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट भी है, ठीक है। और अगर कोई सवाल जे एडवांस में आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इसी सेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन में विजुअलाइजेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ट्रिकी क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। फाइन, उस सेक्शन का नाम है गॉस लॉ, ठीक है। तो अब इस टॉपिक का नाम तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते थे तो हमने जाना था अगर एक इंक्लोजर होगा उसके बाहर कितनी फील्ड लाइन निकल रही हैं या कितनी नेट नेट अंदर रही हैं, वो एक इंडिकेशन दे देता है कि नेट चार्ज कितना है, ठीक है। तो कितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही हैं और कितनी जा रही हैं उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है,
मतलब वो एक फिजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंट कर सकती है, और ये जो नंबर फील्ड लाइंस है इसको किसी तरह मैं फाइंड कर लूं तो वो प्रोपोर्शनल होगी कितना चार्ज है उसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइंस पर एरिया। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी कि लाइंस उस एरिया से निकल रही हैं, क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए आपके पास ये पांच लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पास पांच फील्ड लाइंस हैं। आपने पहले तो ये सरफेस बनाई, अब मुझे बताइए कितनी फील्ड लाइंस में से क्रॉस हो, पांचों की पांचों। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दीजिए, अब कितनी क्रॉस करेंगे, हो सकता है चार ही क्रॉस करें, फिर आप इसको और टिल्ट कर देंगे, हो सकता है तीन ही करें, और जब ऐसे कर देंगे तो एक भी क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो सिर्फ एरिया मल्टीप्लाई करने से कितनी लाइन उससे क्रॉस हो रही है उसका अंदाजा नहीं है। यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ एरिया भी बड़ा रोल है, किस से एरिया प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए लोग एरिया को यहां पर एक वेक्टर मानेंगे। फाइन, तो लोगों को एक तो पता है कि अगर एरिया ऐसा रखा है तो मैक्सिमम फील्ड लाइन आएंगी, ऐसे टिल्ट होता जाएगा, रख दिया तो जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ वेक्टर इस तरह से डिफाइन करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज, सॉरी, जो कि फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है, इनटू एरिया तो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ में एंगल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट एक ही तरीके से लिया जा सकता है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनटू ए इनटू कॉस थीटा करूंगा तो वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में आता है मेरा, क्योंकि इस तरह से मैं इस डॉट प्रोडक्ट जैसे दिखा सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है, और एक और चीज, मुझे थीटा इस तरह से लेना है कि थीटा इस केस में मैक्सिमम हो और इस केस में मिनिमम हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल निकल के आती है कि अगर वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर दूं कि जो नॉर्मल टू द सरफेस है, जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो है एरिया का वेक्टर। अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर दूं तो एंगल कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में इस सिनेरियो में, जीरो हुआ, तो कॉस थीटा वन हो गया, राइट। तो इसको मैं बोल देता हूं फ्लक्स। फ्लक्स रिप्रेजेंटेशन है कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है एरिया से। ठीक, तो इस केस में कितना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, 90 डिग्री है, तो फ्लक्स विल बी जीरो। फाइन, तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वेक्टर फॉर्म में इसको मैं वापस से ई डॉट ए ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन अगर मान लीजिए कि एरिया का जो वेक्टर है, अगर मान लीजिए का वेक्टर वेरी कर रहा है, कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से एरिया है, तो कैसे निकालेंगे आप एरिया का वेक्टर? एरिया का जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो हर जगह रह रहा है कि नहीं, हर जगह एरिया का वेक्टर चेंज हो रहा है। यहां पे नॉर्मल ये है, इधर ये है, राइट, हर जगह नॉर्मल का डायरेक्शन बदल रहा है। तो मैं डायरेक्टली ई डॉट ए कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई डॉट प्रोडक्ट ही बदलता चला जा रहा है, जहां पे जाऊंगा एंगल बदल गया वहां पे। तो इसको मुझे एक इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कुछ इस लिख सकता हूं, ई डॉट विथ डी, डॉट विथ डी ए। ये है कि अगर मैं यहां पे स्मॉल डी ए का एक एरिया ले लूं जिसका मैग्नीट्यूड डी ए है, उस स्मॉल में जो डायरेक्शन एरिया का, उसका डायरेक्शन जीरो होगा, मतलब वो उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं कि डी ए का जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से मैं ऐड करता हूं हर एक डी ए का, तो वो एक इंटीग्रल की शक्ल ले लेगा। ठीक है, और यहां पे इस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीड नॉट बी यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीए को लग रही है वही इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। तो ये ओपन सरफेस है,
तो आप ऊपर की लिमिट यहां रख दीजिए, आपको उस सरफेस के अलोंग फ्लक्स निकल आएगा। लेकिन ये एक सिर्फ मैथमेटिकल चीज आपके सामने निकल के आएगी, एक ओपन से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है सिर्फ उस चीज का कि सरफेस क्लोज्ड है तो उससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है या कितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको क्लोज सरफेस के अलोंग करने जाएं, फ्लक्स विल बी इक्वल इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डीए, ठीक है। तो मैं ये सर्कल इसलिए बना रहा हूं इंटीग्रल के साथ, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इंटीग्रल आपको क्लोज सरफेस पे ही लेना है, ठीक है। तो अब ये जो सरफेस है ना, इसको भी आप मल्टीपल सरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज सरफेस कुड बी अ पेंटागन, ठीक है, सरफेस 2, 3, 4, 5 इस तरह से है अगर, तो मैं इस पूरी चीज को पांच इंटीग्रल में डिवाइड कर सकता हूं। ई डॉट डी ए पहले सरफेस कर लिया, फिर दूसरे सरफेस में कर लिया ई डॉट डी ए, फिर ऐसे में करता चला गया और पांचवे सरफेस पे मैंने ई डॉट डी ए इंटीग्रल कर लिया। अब यहां पे फायदा ये है कि जो पूरा वन है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो इट मेक सेंस टू फाइंड इट आउट सेपरेटली, राइट। इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी सेपरेटली निकाल लो, सबका सेपरेटली निकाल के आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इंटीग्रल तो स्प्लिट कर दिया है, लेकिन क्या इसको वापस अभी इस शेप में इंटीग्रेट करना आसान होगा? फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू कॉस थीटा। वेरिएबल्स दिस इंटीग्रल इज 3 वेरिएबल्स, ठीक है। इस इंटीग्रल के पास 3 वेरिएबल्स हैं और ये सिंगल इंटीग्रल ऐसे करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 वेरिएबल है, मुझे सब कुछ सिंगल वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है। और एक और चीज आप यहां पे ध्यान रखिए कि आपको थीटा पहले से ही पता होना चाहिए तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको, और अगर थीटा पहले पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन पहले से ही मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार आप ये सॉल्व पाएंगे, लेकिन देर आर सम स्पेशल केसेस जहां इंटीग्रल बड़े आराम से निकल के आ जाता है, तो हम वो स्पेशल केस जानेंगे क्या है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ऑलराइट। तो आप लिख लीजिए स्पेशल केसेस केस नंबर 1, थीटा इज 90 डिग्री, ओके। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री फ्लक्स इज हाउ मच, 0, राइट। तो वो एक केस वन नंबर वन हो गया। केस नंबर 2 यहां पे आप लिख दीजिए फ्लक्स इज 0। अब ये जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अलोंग हो जरूरी नहीं है, ये मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में थीटा 90 है तो ये जो फर्स्ट केस जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, सेकेंड केस में 0 ना हो। तो केस नंबर 2 थीटा जो है कॉन्स्टेंट है एंड ई इज ऑल्सो, अगर थीटा कॉन्स्टेंट है और ई भी कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, ई और कॉस थीटा इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे तो डीए का इंटीग्रल बचेगा और डीए का इंटीग्रल तो ए होता है, तो जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर थीटा कांस्टेंट है। जो थीटा कांस्टेंट है कई बार 0 होता है या 180 डिग्री होता है, जब 0 है तो जस्ट ई इंटू ए हो गया और थीटा 180 है तो माइनस ई इंटू ए हो गया, राइट। तो इस केसेस आप याद रखिएगा क्योंकि हम लोग अभी
ये करने वाले हैं कि हम लोग इस फ्लक्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कई सारे केसेस का। तो हमको पता ही है कि क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं या कितना फ्लक्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड, राइट। तो मैं इसको फ्लक्स को लिख सकता हूं इज सम कांस्टेंट, लेट अस से सी इज द कांस्टेंट, सी इनटू क्यू इनक्लोज्ड, राइट। अब मुझे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट चाहिए, राइट। अब कांस्टेंट वैल्यू जानने के लिए आप एक केस कंसीडर कर लीजिए, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ, चारों तरफ आपने मान लीजिए एक सरफेस बिछा दी इस तरह से, और इस सरफेस के अलावा देखिएगा कि एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और वो हर जगह जीरो ही है, ठीक है। तो हर थीटा कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कितना है, जीरो है, राइट। और अगर कांस्टेंट है थीटा तो कॉस थीटा विल बी वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट अलोंग दिस एंटायर लाइन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इफ डिस्टेंस इज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्लक्स तब क्या होगा, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा ये, राइट। तो ये बस ई इंटू ए हो जाएगा, और कितना है के क्यू आर स्क्वायर, एरिया है फोर आर स्क्वायर, ठीक है। अब के को अगर मैं एक्सपेंड कर दू, लिख दू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से अगर लिख दू, फोर पाई और फोर पाई कट जाता है, आर स्क्वायर कट जाता है, ये आ जाएगा आपके पास वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, ओके। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है वन बाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि आपने स्पेशल केस लिया है, बट कांस्टेंट की वैल्यू शुड नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ केस यू आर टेकिंग, फाइन। तो वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। सो बेसिकली अब हमने ये जान लिया है कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस फॉर ई डॉट डी ए, सो दिस विल बी टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरह से को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, फाइन। तो आप ये चीज याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ऑलराइट। और इस लॉ को यूज करते हुए हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग केसेस का, ओके। चले अब हम गॉस लॉ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। अब गॉस लॉ यूज करने के लिए हमने जस्ट डिस्कस किया था फ्लक्स निकालना पड़ता है, और फ्लक्स क्या है, इंटीग्रल है तीन वेरिएबल्स का। तो हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे तीन वेरिएबल्स से और उसको क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट कर देंगे, और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल कब सकते हैं, जब आप इंटीग्रल निकालेंगे, और इंटीग्रल कब निकाल सकते हैं, जब आपके वो जो दो स्पेशल केस डिस्कस किए थे वो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही वेरिएबल आना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होना चाहिए जो भी आप सरफेस लेंगे, राइट। तो गॉस लॉ लगाने पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई गॉसियन सरफेस बननी कैसी चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए गॉसियन सरफेस, सो इट इज एन इमेजिनरी इनक्लोजर, इट नीड नॉट बी रियल, ओके। सो इट्स एन इमेजिनरी इनक्लोजर इट शुड नॉट कट डिस्क्रीट चार्जेस, सो इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज लाइंग समवेयर, इट
that should not cut across by the Gaussian surface. All right. It may cut the It can cut the continuous charge distribution. Fine. अब ये तो तीन चीजें हैं, ये तो must हैं. Fine. इन तीन चीजों के बिना आप Gaussian surface imagine ही नहीं कर सकते. ये तीन तो होनी होनी हैं. और अगर बाकी चीजें मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो satisfy हो जाएं, तो आप जो है बड़े आराम से electric field निकाल सकते हैं. Okay. So these three are must to have. And good to have is this. Electric field magnitude is constant and theta is constant over surface. Fine. Or theta is 90 degree. फाइन. तो अगर ये चीज होगी, ये दोनों चीज में से कुछ होगा, तो आप इजिली इंटीग्रल निकाल लेंगे और हो सकता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़े आराम से निकाल ले. ठीक है, तो ये तो हो गई भाई थ्योरी की बात. प्रैक्टिकली चलो करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आती कैसे है. ठीक है, सबसे पहले हम गॉस लॉ लगाएंगे सिमेट्रिकल केसेस में. ठीक है, और तीन तरह की सिमेट्री होती है. तीन तरह की सिमेट्री कौन कौन सी है? स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री एंड प्लेनार सिमेट्री. ठीक है, तो सिमेट्री नंबर वन स्फेरिकल सिमेट्री. राइट, समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसे सॉलिड स्फीयर है. ये रहा सॉलिड स्फीयर, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. फाइन, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर. इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. ठीक है, ये वाला केस हमने ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट वगैरह करके ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, लेकिन अब गॉस लॉ लगा के हम लोग इसको ट्राई करेंगे निकालने का. हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे, तो गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू डिस्टेंस आर. नहीं तो हम लोग जब गॉस लॉ लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पे ही निकालते हैं ना. तो अगर सरफेस इस पॉइंट से नहीं पास होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन में आएगी ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए सरफेस का इस पॉइंट से पास होना बहुत जरूरी है. तो मैं इसे सिमेट्रिकली इस सरफेस को ऐसे बना लेता हूं. फाइन, और यहां पे गॉस लॉ इस तरह से लिख लेता हूं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. फाइन, अब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये मेरी गॉसियन सरफेस है. इस गॉसियन सरफेस में मुझे एक चीज तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और एरिया वेक्टर भी ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है. राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. ओके, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा, ई डी ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो एंगल तो थ्रू आउट है और ई भी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट है, तो ई और कॉस ऑफ जीरो बाहर आ गया, कॉस ऑफ जीरो वन है, इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए. ये हो जाएगा सिंपली ई इंटू डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर. ओके, और क्यू इनक्लोज कितना है भाई, क्यू इनक्लोज आपका जो आएगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इस चीज का वॉल्यूम है, क्योंकि इसी वॉल्यूम के अंदर तो चार्ज इनक्लोज्ड है. राइट, तो क्यू इनक्लोज आएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब. ओके, तो अगर मैं यहां से वन और टू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो आएगा इक्वेशन वो इस तरह से होगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू फोर पाई आर क्यूब बाई
थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो E आ गया मेरे पास रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। डायरेक्शन तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए, डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड है, फाइन, फॉर अ पॉजिटिव रो। फॉर नेगेटिव रो आप जब यहां माइनस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, फाइन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल सिमेट्री के केस में आप निकाल सकते हैं, ओके? आपको याद होगा एक सवाल हमने किया था जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल लिया था, सेंटर पे z टाइम्स e चार्ज लिया था और इलेक्ट्रॉन को मान लिया था कि एक डेंसिटी में ऐसे स्प्रेड है रेडियस r पे, फाइन। और हमको सॉरी रेडियस कैपिटल r ले लेते हैं इसको, और हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r जो कि लेस देन कैपिटल r है, फाइन। तो चलिए अब इसको गॉस लॉ से ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, फाइन। तो इसके अलोंग जब मैं इंटीग्रल निकालने की कोशिश करूंगा जो कि मेरा फ्लक्स है, तो ये आएगा e इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये तो सिंपली आ गया, राइट। और अगर मुझे q इनक्लोज्ड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है वो तो एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू हो गई z टाइम्स e, और फिर थोड़े से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो भी इनक्लोज्ड है, उसकी कितनी डेंसिटी हो गई, सॉरी उसका कितना चार्ज हो गया, माइनस z e r बाई r होल क्यूब। ये कैसे आता है, पूरा एटम जो न्यूट्रल है तो z e जो है पूरे वॉल्यूम है 4 बाई r क्यूब, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी z e डिवाइड बाई 4 बाई 3 पाई कैपिटल r क्यूब इंटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r क्यूब हो जाएगी, इसके अंदर कितना चार्ज है वो तो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो फ्लक्स है वो q इनक्लोज बाई इसलम नॉट के बराबर है, राइट। तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू z e 1 माइनस r क्यूब बाई कैपिटल r क्यूब डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जेड ई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई आर क्यूब, फाइन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर केस का भी निकाल सकते हैं गॉस लॉ लगा के, ओके? चलिए अब हम बात करेंगे एक अलग तरह की सिमेट्री का जो है सिलिंड्रिकल सिमेट्री। लिख लीजिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप एक सिलेंडर रख दें तो सिलेंडर के लैटरल सरफेस एरिया पे सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री है ये पाई जाती है एक इनफाइनाइट वायर में, ये मान लीजिए एक इनफाइनाइट वायर है विद लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइन। और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे, तो आप यहां पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए इस तरह का है, ये जो सिलेंडर है इस तरह से है, ओके? इस सिलेंडर का आप मान लीजिए हाइट h है, तो जो मेरा इनक्लोजर बन रहा है यहां पे वो एक सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर के दो सरफेस हैं क्लियरली, सरफेस वन लैटरल सरफेस विच इज सरफेस टू एंड अनदर सरफेस सरफेस थ्री, ओके। तो जो फ्लक्स है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, सरफेस वन पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस टू पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस थ्री पे ई डॉट डी ए, फाइन। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है सरफेस वन के लिए ऐसा, सरफेस टू के लिए ऐसा, और सरफेस थ्री के लिए ऐसा, और सरफेस टू जो है वो लैटरल सरफेस है तो वो ऐसे सर्कुलर होगी रेडियली आउटवर्ड, फाइन। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर होगी, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, ये एक इनफाइनाइट वायर है
और इनफाइनाइट वायर का हम ये देख चुके हैं कि ई वाई जीरो होता है और सिर्फ ई एक्स होता है, ई एक्स मतलब अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी इसी डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी इस तरह से। अब आप मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, यहां पे 90 है, यहां पे भी 90 है और यहां पे 0 है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री हो गया मेरे दोस्त, तो क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नेट नेट मेरे पास आ गया ये पूरा का पूरा इंटीग्रल है, दैट इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस 2 ई इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज 1, ओके। अब आप देखेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया में जितने भी पॉइंट हैं सब इक्विडिस्टेंट है वायर से, राइट। समझ लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, फाइन। तो ये एक सिमेट्री की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लैटरल सरफेस कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो जो इंटीग्रल है ना दोस्त, ये हो जाएगा ई दिस, और इसको जब फर्दर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डी ए इज वॉट टोटल एरिया विच इज लैटरल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर इंटू हाइट एच, ऑल राइट। एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ये कितना है, लैम्डा इंटू एच इज क्यू इनक्लोज, लैम्डा इज वॉट चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एच, राइट। सो दिस विल गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड एज लैम्डा डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटीग्रेट करके बड़ी मुश्किल से निकाला था लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बड़ी आसानी से गॉस लॉ लगा के आ जाता है। लेकिन गॉस लॉ लगा के सिर्फ एक इनफाइनाइट वायर का ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वही आपको एक सिमेट्रिकल केस देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सिलिंड्रिकल सिमेट्री की। चलिए अब एक आखिरी सिमेट्री की बात करते हैं, वो है प्लेनार सिमेट्री, ऑलराइट। लिख लीजिए प्लेनर सिमेट्री आती है कि इनफाइनाइट शीट से, समझ लीजिए ये आपकी इनफाइनाइट शीट है। तो जब आप बहुत पास जाएंगे इनफाइनाइट शीट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर आ रही है, ओके, यहां से भी जा रही है इस तरह से। ये आपको 2D सरफेस पे ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट वायर के जैसे है, बट ऐसा नहीं है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं और यहां से इस तरफ जा रही हैं। ये इस तरह से सर्कुलर नहीं है जैसे वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस घटेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, सॉरी, लाइंस पर यूनिट एरिया विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड is not changing, तो that is uniform, okay? तो चलिए अब इस केस में मान लीजिए ये आपका गॉजियन सरफेस है, ये सरफेस एरिया इसका A है समझ लीजिए, ये अगेन इसको आप समझ लीजिए ये H है, okay? तो ये जो है कुछ इतना एरिया सरफेस से कट कर रहा है, okay? अब मुझे इंटीग्रल E.dA निकालना है। ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी ए प्लस ओवर सेकंड सरफेस ई डॉट डी ए थर्ड सरफेस ई डॉट डी ए, ओके। अब आप पाइएगा कि ये जो यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो सेकंड सरफेस है उसके अक्रॉस
ये जो इंटीग्रेशन है ये जीरो हो जाता है, ओके। और ये जो फ्लैट सरफेस है इसके अक्रॉस क्या होगा, यहां अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां भी ई होगा, और एरिया वेक्टर यहां पे ऐसा है यहां पे ऐसा होगा, तो दोनों साइड में एंगल जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनीवे यूनिफॉर्म है, राइट। तो इसका जो वैल्यू है वो ई इंटू ए आएगा और इसका भी ई इंटू ए आएगा, तो टोटल हो गया टू ई इंटू ए, ये हो गया आपका फ्लक्स, फाइन। अब ये जो फ्लक्स है दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा। तो ई जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली एक इनफाइनाइट शीट के द्वारा जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ओके। तो इस तरह से तीनों सिमेट्री टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं अगर आप गॉस लॉ लगाएं तरीके से, ओके। अब चलिए, अब हमने गॉस लॉ तो पढ़ी लिया है तो उसके ऊपर एक आध सवाल लगा लेते हैं। और आप ये चीज ध्यान रखिए कि हम लोग ये सब हम कॉन्सेप्ट वीडियो हैं हमारे, और इस कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद हमारे जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। हम लोग बहुत ही डिटेल में जेई मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हमारा जेई एडवांस लेवल पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी एक सवाल ले लेते हैं जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको ठीक तरह से समझने के लिए, ओके। तो समझ लीजिए कि आपके पास एक क्यूबिकल सर्फेस है इस तरह से, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EY और EZ जीरो है, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस जो कि अल्फा इंटू रूट एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस में एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंक्रीज हो रही है एज यू इंक्रीज एक्स, ओके। और ये जो डिस्टेंस है, ये क्यूब के जो फेस का डिस्टेंस है, फर्स्ट फेस का डिस्टेंस वो ए है, और साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो ए। आपको निकालना है कि इस क्यूब के अक्रॉस टोटल फ्लक्स कितना है और इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज्ड इनक्लोज्ड है, ओके? तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, ऑलराइट? अब ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, और यहां भी ऐसा है, हर दिशा में, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो कौन से सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स होगा? अगर आप ये दो सरफेस देखें, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अंदर आ रहा है, इस सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है, बाकी किसी भी सरफेस से फ्लक्स कट नहीं कर रहा है। तो सिर्फ दो सरफेस हैं जो कि एक सरफेस 180 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा सरफेस 0 डिग्री एंगल बना रहा है, रेस्ट नो अदर सरफेस इज हैविंग एनी फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज एवरी अदर सरफेस अदर देन दीज टू आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, राइट। तो सिर्फ हम ये दो सरफेस हैं, सरफेस वन और सरफेस टू, जिसको हम कंसीडर करेंगे, ओके? तो चलिए निकालते हैं। फ्लक्स विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस पे ई डॉट डी ए, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाता है सरफेस वन पे ई डॉट डी ए प्लस सरफेस टू पे ई डॉट डी ए। क्यों? क्योंकि बाकी जो सरफेसेस हैं उस पे E dot dA जीरो हो रहा है, एंगल 90 डिग्री है, ऑलराइट? तो E dot dA लेफ्ट हैंड साइड पे कितना होगा? E तो कांस्टेंट है, लेट्स हैव इट एज E ओनली, फिर E into cos ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस E हो जाएगा, एन इंटीग्रल ऑफ dA, और ये होगा, ये सरफेस वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे कॉस ऑफ जीरो आएगा क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और एरिया भी ऐसा है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और एरिया अपोजिट है, ओके? आप इसको बिना नोटेशन के भी समझ सकते हैं, यहां से फ्लक्स अंदर आ रहा है तो मतलब फ्लक्स नेगेटिव होना चाहिए, और यहां से फ्लक्स बाहर जा रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो डी ए कितना हो जाएगा, ई वन इंटू ए स्क्वायर प्लस E2 इंटू, ये भी इंटीग्रल dA जो है ए स्क्वायर है, फेस का एरिया है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट नेट कितना हो गया, ये E2 माइनस E1 इंटू ए स्क्वायर, राइट?
और E2 का वैल्यू कितनी है, ये पूरा का पूरा फेस जो है एट x इक्वल टू 2a पे है और ये पूरा फेस एट x इक्वल टू a पे है, राइट। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी जब आप इस x की वैल्यू यहां डालेंगे, तो ये हो जाएगा E2 इज अल्फा रूट 2a माइनस E1 इज अल्फा रूट a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप पाएंगे इसको आप ले सकते हैं अल्फा ए टू द पावर, ये स्क्वायर है, इंटू वन बाई टू, सो ये ए टू द पावर फाइव बाई टू हो जाएगा इंटू रूट टू माइनस वन, ओके। इस तरह से आप जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास फ्लक्स तो आ गया, चार्ज कैसे निकालेंगे? भाई मुझे तो गॉस लॉ से मालूम ही है कि दिस फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स, राइट। तो इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू इनक्लोज आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए टू द पावर फाइव बाई टू अंडर रूट टू माइनस वन, तो ये है मेरा चार्ज इनक्लोज्ड, ओके। तो इस तरह से आप गॉस लॉ लगा सकते हैं और कई बार आप जो है देखिएगा कि सिंपली गॉस लॉ एप्लीकेशन पे ही जो है जेई एडवांस और जेई मेंस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान से आप जो है समझिए और हम लोग जो यहां पर जेई मेंस के वीडियोज और जेई एडवांस के वीडियो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं वो करेंगे, उसको तो आप डेफिनेटली वॉच करिए क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू।